हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सम अप टू लार्ज नंबर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको काफी गहरा इसका इंट्यूशन और अप्रोच बताऊंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर पाए, और इसको अगर भूलना भी चाहे तो आप नहीं भूल पाए। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग दिया गया है जो दो नॉन निगेटिव नंबर्स एक्स और वाई को डिनोट करता है। हमें क्या करना है, उन दोनों को सम निकाल देना है, उन दोनों का सम निकाल देना है और रिटर्न कर देना है। जैसे एक्स इक्वल टू दिया है 25 और वाई इक्वल टू 23, और बेसिकली हमारा स्ट्रिंग है, आप देख पा रहे होंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो क्या है स्ट्रिंग, इन दोनों का हमें सम निकालना है। तो आप बोलोगे सर तो क्वेश्चन काफी आसान है, दो हमारे पास स्ट्रिंग दिया गया है, मैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा और उनका सम निकाल दूंगा। मैं बोलूंगा एकदम सही, लेकिन क्या होगा, आपको एक बात पता होगा कि इंटीजर का कुछ रेंज होता है। इंटीजर क्या होता है, कुछ रेंज। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर जो किसी वैल्यू स्टोर कर सकता है वो कितना होता है, 4.3 बिलियन अप्रोक्स। तो अगर इसके बाहर के नंबर को मैं ऐड करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तब तो संभव नहीं है कि उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूं और कर लूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए यहां लिखा है सम अप टू लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर मतलब इंटीजर के रेंज से ज्यादा नंबर भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसका तो लिमिट बहुत ज्यादा है, ये तो लिमिटलेस है। तो कैसे होगा, तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बहुत बेहतर तरीका से, और फिर हम लोग करेंगे। तो जैसे आपके पास दिया है 25 और 23, तो कितना हो जाएगा 48। आप कैसे जानेंगे, तो आप बोलो सर मैं इंटीजर का जो समेशन होता है, जो इसका प्रॉपर्टी होता है, कैसे ऐड करते हैं, और मैं जानता हूँ, मैं यूनिट डिजिट से शुरू करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। मैं बोलूंगा एकदम सही। तो अगर अगर यहाँ 253 है और फिर यहाँ 31 है, इन दोनों को ऐड करना हो तो कैसे ऐड होगा, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, चीजें ध्यान समझो, अगर मैं ऐसे करूँ तो कैसे होगा। और यहाँ स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग ये दोनों तो स्ट्रिंग है, अब कैसे होगा सर, अगर डायरेक्ट नंबर रहता तो अब मैं 3 1 4 यहाँ लिख देता, 5 3 8 और 2 मैं ऐसे लिख देता, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग है, तो कैसे लिखूंगा। तो आपको पता होगा कि हर एक कैरेक्टर, जितना भी कैरेक्टर प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ स्काई वैल्यू होता है। जैसे जो 0 है इसका स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 48, जो 1 है इसका स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 49, जो 2 है इसका कितना होता है 50, जो 3 है इसका कितना होता है 51। तो वैसे ही अगर मैं 3 का मुझे निकालना है, 3 का तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर वैल्यू कितना है 51, इसमें से अगर मैं 0 का स्क्वायर वैल्यू जो 48 इसको माइनस कर दूं तो कितना आएगा 3। तो अगर मैं 3 का जो स्क्वायर वैल्यू है उसमें से 0 के स्क्वायर वैल्यू को माइनस कर दूं तो हमारा नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो जैसे मैं माइनस करूंगा तब मेरा कितना आ जाएगा 25331। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर है, नंबर इसके स्काई वैल्यू में से, जैसे 3 3 का स्काई वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ स्काई स्काई, माइनस 0 का जो स्काई वैल्यू है, 0 का स्काई वैल्यू इसको मैं माइनस करूंगा तो ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऐड कर पाऊंगा, 3 कितना होता है 4 8 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर है उसका कोई स्काई वैल्यू है, उसको हमें पहले स्काई वैल्यू उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका निकालना पड़ेगा, और उसके स्काई वैल्यू में से 0 का जो स्काई वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब ये जो नंबर है हमारा इंटीजर में कन्वर्ट होगा। इतना में पता चल गया। जब इतना में पता चल गया तो एक चीज आपको और पता होना चाहिए, कैसे इसका मतलब सोल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन समझना काफी जरूरी है, जैसे यहाँ लिखा है 2500 प्लस करना है 23 23 प्लस करना है, तो आंसर आ रहा है इतना। तो अभी मैं आपसे पूछूं, जब आप सॉल्व करोगे तो 25 अगर 00 है तो 23 को यहाँ लिखना है, या फिर 25 अगर 00 है तो 23 को यहाँ लिखना है, या 2500 है तो 23 को यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ लिखकर आपको एडिशन करना है। तो आप बोलोगे सर हमने जो स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई यूनिट डिजिट है, कोई दो अगर नंबर है, दो नंबर अगर दोनों में हमें सम करना है, तो यूनिट डिजिट का सम यूनिट से होगा, फिर टेंस का, फिर 100 का, फिर 1000 का। तो ये तो हमारा नहीं होने वाला है, ये हमारा नहीं होने वाला है, हमारा कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो नंबर है, अगर एक का कुछ डिजिट इसमें कम है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से मैच करते हैं, यूनिट का सम यूनिट से होता है 3 फिर 2 फिर 2 5। तो इधर से हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं बोलूंगा एकदम सही। तो जो हमने राइट से लेकर लेफ्ट तक बढ़ा है, सेम टू सेम वही तो हमें करना है, जो हम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और दो यूनिट डिजिट को पकड़े, उसको ऐड कर दिए और कुछ कैरी आया तो फिर उसको लेफ्ट की ओर ट्रांसफर किए और फिर इन दोनों को ऐड किए, जो हम स्कूल मैथमेटिक्स में करते थे सेम टू सेम वही करना है, कुछ नहीं है।
तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो बात है, जब यही बात है तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ देखो, तो इसमें बहुत सारे केस हो सकता है, जैसे 2, 5, 3, 9, 3, 8। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर स्ट्रिंग दिया गया है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कैसे, इसका जो स्काई वैल्यू है 9 का स्काई वैल्यू माइनस 0 का स्काई वैल्यू, तो 9 का इंटीजर वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैं क्या मान ले रहा हूँ, मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 8, 8, 16, 17 का 7, और यहाँ एक कैरी आ जाएगा। क्योंकि अगर 9 तक कोई वैल्यू आ रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ, लेकिन जैसे 10 आता है उससे ज्यादा आता है तो मैं क्या करता हूँ, कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो 9 और 17 का 7 कैरी 1, और 3 3 6 कितना, 7 और 25, ऐसे हो गया। तो हमें कैरी को भी हैंडल करना है और साथ ही साथ जो नंबर है उनको हैंडल करना है। तो कैसे होगा, मैं आपको दो अप्रोच बता रहा हूँ, दो अप्रोच, दोनों अप्रोच बेसिकली एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। तो देखो, अगर मैं 2, 5, 3, 9 एज मान लेता हूँ हमारा एक्स है, वाई में क्या मान ले रहा हूँ मैं 3, 8, अगर दोनों का सम निकालना तो मैं कैसे करूँगा। पहला अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच कि 2, 5, 3, 9 यहाँ रखो और 3, 8 यहाँ रखो, हमने यहाँ रख लिया। और रखने के बाद हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, रखने के बाद हमें क्या करना है कि हमें जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है, यहाँ पॉइंटर कर लूंगा आई, और एक ये पॉइंटर यहाँ रख लूंगा, एक जो पहला स्ट्रिंग है उसके लास्ट में पॉइंटर रख लूंगा, और एक जो दूसरा स्ट्रिंग है उसके लास्ट में रखूंगा। लास्ट में क्यों रखूंगा, क्योंकि यार स्कूल मैथमेटिक्स हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट से हम ऐड करना शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को ऐड किया, कुछ आया, फिर कुछ कैरी आया, फिर इन दोनों को ऐड किया, तो हम लास्ट से शुरू की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट से लेकर शुरू की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम टू सेम ये करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, ठीक है, जे की तरफ यहाँ, जैसे ए है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या देगा, 8, 9, 17। तो एक मैं सम रख लूंगा यहाँ, सम सम हमने रख लिया, 8, 9 कितना जाएगा, 17। तो पहले हमने सम को 17 अपडेट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 7 चाहिए। जब यहाँ सिर्फ 7 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सम का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकालना कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ सिर्फ 7 आ गया, सिर्फ यहाँ क्या है, 7। अब हमें कुछ कैरी भी चाहिए, तो कैरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है 17 उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैरी हमारा 1 आ गया। तो यहाँ 7 आ गया और कैरी यहाँ 1 आ गया, 1 कैरी यहाँ 1 आ गया। अब हमारा आई का वैल्यू फिर एक स्टेप पीछे चला जाएगा और जे का वैल्यू भी एक स्टेप पीछे, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 6, और एक कैरी ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम कैरी को 0 रखेंगे, पहले हम क्या रखेंगे, कैरी को 0, जैसे यहाँ कैरी पहले हमारा 0 था लेकिन यहाँ 1 आ गया, तो कैरी हमारा 1 हो गया। तो 3 3 6 और एक कैरी भी ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 7। अब जो नंबर बच गया, सेम टू सेम हमारा आई यहाँ माइनस होता जाएगा और जे यहाँ कुछ अब नहीं बचा है, तो दोनों नंबर है हमारा यहाँ चलाएगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि लास्ट से शुरू करना है, दोनों स्ट्रिंग को पैरेलली ट्रैवर्स करना शुरू करना है, लास्ट से दोनों को ऐड करना है, और कुछ कैरी आए तो फिर कैरी को भी ऐड करना है। और कैरी कैसे निकलेगा, कैरी निकलेगा जो नंबर आया उसको 10 से डिवाइड करने पर, और जो नंबर यहाँ हमारा आने वाला है, जो नंबर हम यहाँ लिखने वाले हैं वो कैसे निकलेगा, उसका मॉडुलस निकालने पर। इतना हमको समझ में आ गया। और लास्ट में हम क्या करना है, जैसे पहले हमने 7 लिखा है तो आंसर में हमारा पहले 7 7 5 2 ऐसे स्टोर होगा, पहले हमने 7 लिखा है, ऐड किया है, फिर 7 आया है, फिर 5 फिर 2, तो आंसर में हमारा 7 7 5 2 स्टोर होगा। तो लास्ट में अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, कितना हो जाएगा, पहले 2 5 7 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, दूसरा देखो, दूसरा कैसे होगा, अगर 2 5 3 9 है और 3 8 है, तो इस केस में क्या करना है, जो पहला स्ट्रिंग दिया है एक्स, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। जैसे एक्स पहले हमारा दिया है 2 5 3 9, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 5 2, ऐसा हमने कर दिया। फिर वाई हमारा क्या दिया है, 38, इसको मैं रिवर्स करूंगा कितना हो जाएगा, 38, इसका कितना हो जाएगा, 83, तो 8 और 3 आ गया। अब देखो, अब मैं ऐड करना शुरू करूंगा इधर से, राइट हैंड साइड से, क्योंकि दोनों एलिमेंट इधर बराबर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों एलिमेंट बराबर है, यहाँ राइट हैंड साइड में दोनों एलिमेंट बराबर था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब बराबर है तो मैं इधर से ऐड करना शुरू करूंगा। तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 के 7 कैरी 1, 3 3 6 y कितना, 7, यहाँ 5 यहाँ 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने रिवर्स किया है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 2 5 7 7, 2 5 7 7, और यही तो हमें चाहिए, और यही तो हमें चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कैसे चीजें काम कर रही है। अगर देखो, जैसे हमने क्या किया है, यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंटों का सम 2 एलिमेंट से निकल गया, लेकिन यहाँ कुछ एलिमेंट बच गया है। जब कुछ एलिमेंट बच गया है तो सिर्फ मैं S1 को ट्रावर्स करूंगा, या फिर एक्स इसका अगर नाम है तो एक्स को ट्रावर्स करूंगा, और अगर कैरी कुछ बचा है तो उसको ऐड कर दूंगा, अगर नहीं बचा है तो फिर जितना आ रहा है उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। और सोल्यूशन पर जाने से पहले, अगर आपको C++ एकदम बेसिक से पढ़ना है, अगर आपको C++ नहीं पता है कैसे चीजें काम करती हैं,
तो हमने एक कोर्स बनाया है, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ सकते हो। आप इस कोर्स में देखोगे कि जितना चीज आपको सी प्लस प्लस में देखने को मिलेगा, आप यहाँ सिलेबस से लेकर, यहाँ सिलेबस है, सिलेबस से लेकर जितना भी सी प्लस प्लस में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमने 61 मॉड्यूल्स में चीजों को बांटा है, आप यहाँ सिलेबस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ 61 मॉड्यूल है इंग्लिश में, और लाइफ टाइम का एक्सेस है मात्र 767 में। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल जाकर पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, और किसी भी टाइप का आपको दिक्कत है तो सिंपली आपको इस नंबर मैसेज करना है, सी प्लस प्लस मास्टरी कोर्स लिखकर सिंपली आपको व्हाट्सएप यहाँ मैसेज कर देना है, और कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो हमने क्या किया है, पहले हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है, रिवर्स दोनों को, जैसे यहाँ 2533 और यहाँ 11 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है, मैंने आपको जैसे बताया है, मैं पीछे चलूंगा। हमने क्या किया है, जो स्ट्रिंग है इसको हमने रिवर्स कर दिया है, दोनों स्ट्रिंग को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स करने के बाद हमने क्या किया है, अगर x1 जो है, अगर ए बड़ा है, अगर ए छोटा है इससे, मतलब हमें क्या चाहिए कि जो बड़ा स्ट्रिंग है, जो बड़ा स्ट्रिंग, अगर x1 बड़ा है तो इतना ही हमारा सम आने वाला है, इतना ही सम आने वाला है, तो उतना हम रख लेंगे, एक कैरी रख लेंगे, और फिर एक एन रख लेंगे, एम इसका साइज, एन इसका साइज एम, और एक आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, मतलब इसका पॉइंटर इसका पॉइंटर रख लेंगे दोनों को पैरेलली, और दोनों को कैरी में क्या करेंगे, जो नंबर है उसके में से जीरो का जो स्काई वैल्यू है उसको माइनस करूंगा, तभी उस नंबर का इंटीजर वैल्यू आ पाएगा। अभी आपको समझ में आएगा कि जो नंबर है, नंबर उसमें से अगर मैं जीरो का इंडेक्स वैल्यू माइनस करता हूँ, जीरो का स्काई वैल्यू, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा वैसे ही वाई का भी। और सिंपली आपको x1 में क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल सम है उसको डाल देना है, और फिर कैरी को डिवाइड करके निकाल लेना है, और दोनों का आगे बढ़ते जाना है। और इनकेस आई में कुछ एलिमेंट बच जाता है तो सेम से वही काम करना है, और कुछ कैरी बच जाता है तो सेम टू सेम आपको फिर से कैरी भी ऐड कर देना है, ठीक है। और लास्ट में देखो कुछ केस ऐसा होगा, जैसे 2533 है, और इसमें कुछ जैसे मानो आपको, जैसे मानो आप ऐड किए तो ऐसा आ गया 025533, 2533, तो आपको ये जीरो को रिमूव करना है, तो आपको यहाँ जीरो को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर कोई नंबर जैसे मानो 00 है, या फिर 00 है, तो यहाँ 3 जीरो आ गया, सब में 3 जीरो आ गया, लेकिन मुझे तो अगर 3 जीरो है तो मुझे एक ही जीरो चाहिए ना, 3 जीरो लिखो या फिर 1 जीरो लिखो, बात बराबर है, लेकिन 3 जीरो यहाँ नहीं हमें चाहिए, हमें 1 जीरो चाहिए, तो उस केस में हमें जीरो को भी भगाना पड़ेगा, जीरो को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्स का साइज बराबर अब 0 है तो 0 को रिटर्न कर देना है, नहीं तो एक्स को रिटर्न करना है। तो इसका अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए, तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि हम दोनों जो स्ट्रिंग है इसको पैरेलल ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसको इसको, तो जो बड़ा साइज होगा उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, तो जो बड़ा स्ट्रिंग होगा तो उसके साइज का, जैसे जो स्ट्रिंग साइज बड़ा है तो ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्या, एस एक्स और वाई, एक्स और वाई जो स्ट्रिंग है उसका जो मैक्सिमम लेंथ है उन दोनों का स्पेस हो जाएगा, और उन दोनों का क्या हो जाएगा, साइज, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो वो अपॉन हो जाएगा। और सी प्लस प्लस का सोल्यूशन एक और ए भी, हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने शुरू को पहले क्या किया है, जो नंबर दिया उसको हमने क्या किया, नंबर को हमने रिवर्स कर दिया है, इसमें हमने क्या किया, लास्ट से शुरू किया है, जैसे 2533 और 38 है, तो हमने यहाँ से और यहाँ से शुरू किया है, इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें क्या किया था, नंबर को रिवर्स कर दिया था, और 2533 और 11, तो हमने शुरू से शुरू किया था, शुरू से, लेकिन इसमें हम लास्ट से शुरू करना है, आप यहाँ देख पा रहे हैं लास्ट से, और कैरी एक सम को रखा है और एक स्ट्रिंग को रखा है, जब तक आई ग्रेटर देन है 0 से और जे ग्रेटर देन 0 से, तब तक क्या करना है, सम में ए वैल्यू ऐड करना है, ऐड कर लिए, और इसके बाद फिर हमने सम में अगर कुछ कैरी आएगा, जैसे यहाँ 1 आ गया तो कैरी को भी ऐड करना है, और फिर सम कैरी निकालना है, सम निकालना है, और आई माइनस माइनस एक स्टेप पीछे जाना है, फिर इसको एक स्टेप पीछे जाना है, और कुछ आई एलिमेंट बच गया तो फिर वैसे ही करना है, कुछ जे में बच गया तो वैसे ही करना है, और कैरी 0 नहीं है तो उसको कैरी को भी इसमें ट्रावर्स करके एस में ऐड करना है, और फिर हमें क्या करना है, जब तक के से ग्रेटर हो और 0 हो तो हमें क्या करना है, उसको पॉप अप करते जाना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा 0 आ रहा है तो, और लास्ट में इसको रिवर्स कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस तरह करने पर आपको क्या होगा, कि पहले आप 7 लिख रहे हैं, फिर 7, फिर 5, फिर 2, तो लास्ट में इसको आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, और ये हमारा जावा का सोल्यूशन है, सेम टू सेम वही सोल्यूशन हमने जावा को जावा का भी लिखा है, लास्ट से हमने शुरू किया है, लास्ट से जब तक 0 है तो इसको करते गया है, फिर अगर कुछ एलिमेंट बच गया है आई में तो इसको, कुछ जे में बच गया तो उसका, कुछ जे में बच गया तो उसका, ठीक है। अब आई थिंक हम 2 बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया इतना, ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर देना, एक ही कोई रखना, और फिर अगर कैरी कोई बच गया है तो उसमें प्लस करते जाओ, और लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को पीछे कीजिए, और जो कंसेप्ट हमने बताया उसको समझिए, और
और आप सी प्लस प्लस एकदम अगर सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी सिलेबस हमने नहीं छोड़ा है, अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप चीजों को पढ़ सकते हैं और कोर्स का सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इसका आप सोल्यूशन, हमने क्रोम पर चलना है और ये हमारा है, तो मैं आपको सी प्लस प्लस का सोल्यूशन यहाँ दिखाता हूँ। जो हमने कोड लिखा है दो सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, दोनों सही है, तो ये हमारा सी प्लस प्लस का सोल्यूशन है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं सिंपली इसको सबमिट कर दूंगा। और सी प्लस प्लस का सोल्यूशन सबमिट करने के बाद मैं आपको जावा का सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं सी प्लस प्लस का सबमिट हो गया, हमने बहुत ही बार सॉल्व किया, आप देख पा रहे हैं 3 बार हमने सॉल्व कर लिया, और अभी मैं जावा का दिखाऊंगा जावा, और इसको भी मैं सबमिट करके आपको दिखा दूंगा। अगर कोई भी आपको डाउट फिर भी रह जाता है तो आपको वीडियो को क्या करना है, कमेंट करना है कि भैया यार मुझे समझ में नहीं आया, और आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा होगा कोर्स का इंक्वायरी करने के लिए, आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा चीज़ों को बताया, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक भी टॉपिक नहीं है जो सी प्लस प्लस में आपको मतलब पढ़ना हो और हमने नहीं पढ़ाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और साथ ही साथ जहाँ भी सी प्लस है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और काफ़ी नॉर्मल फीस हमने रखा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो 4800 पे करके हमने पढ़ा था, और अभी हमने कोर्स का दाम काफ़ी कम रखा है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है, तो आप सारा का सारा काम कर दो। हमें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप